सर्दियों के मौसम में हर वर्ष की तरह इस बार भी छोटी काशी मंडी में विदेशी परिंदों ने दस्तक दे दी है। मंडी में व्यास नदी सहित अन्य जलाशयों में भी कुछ विदेशी परिंदे पहुंच चुके हैं। जलाशयों में अटखेलियां करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस बार विदेशी पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश की तरफ एक माह देरी से आगमन किया है और इसकी वजह प्रदेश में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी न होना माना जा रहा है। वहीं इस बारे में मंडी डीएफओ वासु डोंगर ने बताया कि साइबेरिया, चीन, तिब्बत, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस से यहां अब तक 10 से 15 किस्मों के विदेशी परिंदे मंडी के आसपास की जलाशयों और नदियों में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अब बड़ी संख्या में आवक को देखते हुए वन विभाग ने विदेशी पक्षियों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। वन विभाग ने जलाशयों के लिए टीमें गठित की हैं जो निरंतर विदेशी पक्षियों की सुरक्षा पर पूरी नजर रखेंगी। जैसे कि अब जो है विंटर माइग्रेटरी सीजन जो है माइग्रेटरी बर्ड्स का स्टार्ट हो गया है। ये जो है विदेशी परिंदे जो है भारत में आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, क्योंकि रशिया, साइबेरिया जहाँ से ये आते हैं वहाँ पे इस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ठंड से बचने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं और ये ज़्यादातर वाटर बर्ड्स होते हैं, तो वाटर बॉडीज़ के आसपास पाए जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे मंडी ज़िले में भी हमारे ब्यास नदी के कैचमेंट एरिया में काफ़ी वाटर बर्ड्स आए हैं और हर साल ही आते हैं। इस बार जो है 12 स्पीसीज़ के अराउंड जो है हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिनमें से कॉमन पोचार्ड, लिटिल कॉर्मोरेंट, ग्रेटर कॉर्मोरेंट, रूडी शेल डक और आपका साइबेरियन स्टोन चैट, ये कॉमन स्पीसीज जो है हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। साथ ही साथ क्योंकि कई बार जो है इनके शिकार का भी हमें कई बार किस्से सुनने को मिलते हैं, तो हमने अपने डिवीज़न में एक रैपिड रिस्पांस टीम बना दी है जो कि मंडी में जो नदी के आसपास का एरिया है, ब्यास के आसपास का एरिया है, वहाँ पे रेगुलर गश्त करेगी और अगर कोई भी ऐसा केस आता है तो वो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। साथ ही साथ मेरी लोगों से भी अपील है कि ये जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये हमारे लिए एक बहुत ही टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये यहाँ पे आते हैं, 2 महीने के लिए यहाँ पे रहते हैं। तो मैं चाहूँगा लोगों से कि लोग भी इसका प्रोटेक्शन कंजर्वेशन करें और उन्हें भी अगर किसी भी तरह का कोई केस लगता है तो वो हमें इन्फॉर्म करें इसके बारे में। ये दुनिया के सबसे नज़दीक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी हैं। ये करीब 27 से 29,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़कर भारत में पहुंचते हैं। वहीं जब इनके गृह क्षेत्र में ठंड पड़ती है और बर्फबारी शुरू होती है तो ठीक उसी समय ये दक्षिण एशिया की तरफ प्रवास आरंभ करते हैं।